के समय बिजली का गिरना एक आम बात है। आसमान से गिरने वाली बिजली इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों और पेड़ पौधों को भी पलक झपकते ही नष्ट कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही बिजली आसमान में उड़ रहे किसी एरोप्लेन पर गिर जाए तो उस एरोप्लेन का क्या हाल होगा? आप में से कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि जब बिजली के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां भी नहीं टिक पाती तो फिर एरोप्लेन कैसे टिक पाएगा। और आज इस वीडियो में हम एरोप्लेन पर बिजली गिरने से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजली गिरती क्यों है और कैसे ये बड़ी से बड़ी चीजों को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। असल में बिजली का गिरना स्टैटिक एनर्जी का निकलना होता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बिजली का चमकना और बिजली का गिरना दोनों एक ही चीज है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। असल में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे बादलों में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं जिनके लगातार आपस में टकराते रहने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैदा हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेट प्रोटॉन से ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बादलों में नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं और प्रोटॉन बादलों में ऊपर की तरफ होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज धरती में या किसी बिल्डिंग में डिस्चार्ज होता है तो उसे बिजली का गिरना कहा जाता है। गिरने वाली बिजली की पावर 10 करोड़ वोल्ट से भी ज्यादा होती है। ये पावर इतनी ज्यादा है कि हमारे घरों में सप्लाई होने वाली बिजली से भी 5 लाख गुना ज्यादा खतरनाक है। इस बिजली से पैदा होने वाली गर्मी लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होती है, जो सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म है, जिसके सामने आने वाली किसी भी चीज का बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो अब आते हैं हमारे सवाल पर कि अगर किसी उड़ते हुए प्लेन पर इतनी ज्यादा पावर की बिजली गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा। और 3 अक्टूबर 2017 को ऐसा ही हुआ था, जब उत्तरी अटलांटिक में स्थित एक देश आइसलैंड में बहुत तेज बारिश हो रही थी और यहाँ रहने वाला एक आदमी होल्डर गुडमंडसन आसमान में चमकने वाली बिजली की फोटो अपने मोबाइल में ले रहा था। तभी अचानक पास के हवाई अड्डे से उड़े एक एरोप्लेन पर बिजली गिर जाती है। होल्डर ने सोचा कि बिजली गिरने से तो पूरा प्लेन ही डिस्ट्रॉय हो गया होगा, लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस एरोप्लेन में 1 अरब जूल से भी ज्यादा पावर के बिजली गिरने के बाद भी ये एरोप्लेन सभी यात्रियों के साथ सेफ था। अब आप लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने ज्यादा पावर की बिजली गिरने के बाद भी यह एरोप्लेन पूरी तरह से सुरक्षित कैसे बच गया। असल में आज के समय में एरोप्लेन को बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया जाता है और बनाते टाइम उसका लाइटनिंग सर्टिफिकेट टेस्ट भी होता है। इस टेस्ट में पास होना इस बात की गारंटी देता है कि एरोप्लेन को बिजली से कोई भी नुकसान नहीं होगा। और एरोप्लेन की ऊपर की बॉडी पर एक स्पेशल कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बिजली के गिरने पर भी एरोप्लेन को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा एरोप्लेन की ऊपरी बॉडी के अंदर से एक कंडक्टेड जाली की लेयर होती है जो पूरी तरह से कॉपर फाइल की बनी होती है। कॉपर फाइल की लेयर एरोप्लेन को इलेक्ट्रिक कंडक्शन से सेफ्टी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण एरोप्लेन के अंदर मौजूद किसी भी इक्विपमेंट को बिजली गिरने के दौरान कोई भी नुकसान नहीं होता। और एरोप्लेन के न्यूट्रल चार्ज को मेंटेन करने के लिए इसके विंग्स पर स्टैटिक एलिमिनेटर को लगाया जाता है, जो बिजली के स्टैटिक चार्ज को हवा में फ्री कर देता है। इसके अलावा बिजली गिरने के कारण एरोप्लेन के फ्यूल में आग ना लगे, इसके लिए फ्यूल में भी कुछ न्यूट्रल गैसेस भरी जाती हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी एरोप्लेन पर बिजली गिरती भी है तो बिजली गिरने से उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। तो क्या आपने कभी बिजली गिरती हुई देखी है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।